क्या होता है कि एक परिक्रमा होने में एक ईयर लगते हैं, कितने, एक ईयर मतलब एक वर्ष, एक वर्ष कितने दिन में करता है पृथ्वी जो है घूमने, 365 दिन, लेकिन 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और आपके 45.51 सेकेंड लगते हैं, जबकि आप क्या समझते हैं कि 365 दिन पूरा पूरा नहीं होता है। जब इसको नापा गया साइंस यानी कि जो आपको साइंटिस्ट ने नापा, तो इसमें समय कितना लगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड। तब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर 5 घंटे 48 मिनट 45.1 सेकेंड जो है इसको हमने क्या मान लिया कि ये इसको 6 घंटे मान लिए, यानी कि 6 आवर मान लिया। और ये 6 आवर अगर हम 4 साल में देखेंगे, 4 ईयर में, तो ये 6 आवर मिलकर 6 चौको 24 यानी कि 24 आवर बन जाए, और 24 आवर बराबर 1 डे यानी कि 1 दिन। तो अब आपने ये देखा कि 4 साल में जो 6 घंटा एक साल में बढ़ता था वो क्या हो गया, 4 साल में 24 घंटे बढ़ गया, यानी कि 1 दिन बढ़ गया। तब यहां पर क्या सोचा गया कि जो 1 दिन बढ़ गया, अब इसको कहां पर, इस कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर में कहां पर शिफ्ट किया जाए। तो यहां पर शिफ्ट करने के लिए एक ऐसा महीना ढूंढा गया जो कि वो था फरवरी, फरवरी को ढूंढा गया कि जब भी कोई चीज बढ़ेगा या घटेगा तो हम उस फरवरी में घटा देंगे या फिर बढ़ा देंगे, तो फरवरी को उठा लिया गया। तो अब आपने देखा कि जो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो चौथे साल में 1 दिन बढ़ा दिया गया, तो इसीलिए जो आपकी फरवरी होती है 4 साल बाद वो क्या होती है, 4 साल बाद वो 28 का ना होकर 29 की हो जाती है। तब आपने इस लॉजिक को समझ लिया, तो जो 4 साल बाद आता है उसे हम लीप ईयर या हिंदी में इसे अधिवर्ष भी कहते हैं, तो इसे लीप ईयर कहा गया। अब आपने ये समझ लिया। अब यहां पर देखिएगा गौर से कि 5 घंटे 48 मिनट 45. इतना सेकंड था, तो आपने ये देखिए इसको 6 घंटे मान लिया था, जबकि ये 6 घंटे नहीं था, आपने 12 मिनट ज्यादा मान लिया। इसको भी छोड़कर रखिए क्योंकि ये बहुत छोटा सा अंक है, इसको काफी लॉन्ग समय बाद इसका लेकिन असर पड़ जाता है। तो चूंकि आपने ये 12 मिनट आपने ज्यादा मान लिए, तो ये जो 12 मिनट आपने ज्यादा मान लिए तो लॉन्ग समय बाद कुछ तो इसकी वैल्यू होगी। तो ऐसा देखा गया कि 400 सालों तक जब ये 12 मिनट बढ़ता रहा, कितने सालों तक, 400 सालों तक 12 मिनट जब बढ़ता रहा, तो कैलकुलेट जब किया गया तो ये 72 घंटे से ज्यादा आया, लगभग ये 80 घंटे आता, तो 72 घंटे से जब ज्यादा आया, यानी कि इसको हमने 72 घंटे मान लिया, और जो आगे जो बढ़ा है वो कभी और शिफ्ट किया जाएगा। तो जब ये 72 घंटे ज्यादा बढ़ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 दिन बन गए, यानी कि 3 डेज हो गए। तो 400 सालों में जो 3 डेज बढ़ गए, अब यहां पर फिर कैलेंडर में 3 दिन जो बढ़ गए कहीं ना कहीं शिफ्ट करना था, यानी कि अब इसको कहां पर रखोगे, तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि जो यहां पर 400 सालों में 3 दिन बढ़ गया, तो इसका मतलब हो गया कि अब इसको कैसे शिफ्ट किया जाए। तो इसको शिफ्ट करने के लिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, यहां पर हमने 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, फिर यहां पर ऐसे 500, 600, 700, 800, यहां पर 900, फिर 1000, फिर 1100, ऐसे 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ठीक ऐसे ही चलता रहेगा, 00 उसमें रहेगा। तो यहां पर यह देखा गया कि 400 सालों में 3 दिन बढ़ रहे हैं तो कैसे शिफ्ट किया जाए। तो चूंकि आप जान रहे हैं कि हर चार साल बाद जो 4 से कटने वाला है वो आपका एक लीप ईयर होता है, यानी कि उसमें 366 दिन होती है, फरवरी 29 की होती है। तो अब आप जानते हैं कि जो 100वां वर्ष होगा, 100 वाला, ये भी फरवरी, भी इसमें भी फरवरी 29 की होगी, इसमें भी फरवरी 29 की होगी, इसमें भी फरवरी 29 की होगी। तो क्या किया गया कि ये 3 दिन जो 400 सालों में बढ़ जा रहा है, इसमें से माइनस कर दिया गया, इसमें से माइनस कर दिया गया, इसमें से माइनस कर दिया गया, और ये जो आपका 400 था, 3 दिन यहां पर आपके शिफ्ट हो गए,
यानी कि 400 सालों में 3 दिन जो अतिरिक्त बढ़ रहा था उसको शिफ्ट कर दिया गया। इसीलिए जब सवाल कभी कभी पूछा जाता है नॉर्मल सा कि 100 क्या आपका एक लीप ईयर है, तो यहाँ पर आंसर आएगा बिल्कुल भी ये लीप ईयर नहीं है। जबकि लोगों का ख्याल ये रहता है कि 4 से डिवाइड करो और अगर कट जाता है तो वो आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को जब आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे होंगे कि 400, 100, 200, 300 ये लीप ईयर नहीं होगा। उसी प्रकार 400 एक लीप ईयर होगा, क्योंकि 3 साल ही तो आपको 400 सालों में एडजस्ट करना था। तो अगले 400 सालों में 500, 600, 700, 800 में इसमें भी एक माइनस, इसमें भी एक माइनस, इसमें भी माइनस, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसलिए 400 से कटने वाला, यानी कि 400 से जो भी साल कट जाएगा उसे हम सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, शताब्दी ईयर बोलते हैं। और शताब्दी वर्ष जो होता है वो भी एक लीप ईयर होता है। अब आपने समझ लिया होगा कि 29 की फरवरी क्यों होती है और 400 से भाग होने वाला वो लीप ईयर होता है। एक एक साल कैसे हमने एडजस्ट किया ये आपने समझ लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 400 वर्ष, देखिए शुरू में आपने आपसे सवाल पूछा गया था कि 400 वर्षों में 29 तारीख, 30 तारीख और 28 तारीख कितनी बार आएगी, तो आपने जब ये जान लिया तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे।